हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तन्नू और आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक नंबर 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं फॉर एसयूटी। और इस वीडियो में पीवाईक्यूज को भी कवर किया गया है एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो आप बेफिक्र होकर इस पूरी वीडियो को देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू। यहाँ इस पूरी वीडियो में आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, समझाने लायक कुछ भी नहीं है, तो हम जल्दी से क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके आंसर्स करेंगे। तो आपको अपना स्कोर जो है ना वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। इस वीडियो में लगभग मैंने 30 के करीब क्वेश्चन को कवर किया है, तो आपको अपना स्कोर भी बताना होगा वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आपको बताना है कि लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी वैल्यू जो है लोवेस्ट है। राजस्थान, बिहार, असम, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। विच स्टेट हैज द हाइएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरला। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ डैश, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल आर सीन एज द मिनिमम कंडीशंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये जो कोटेशन में पूरा जो ये स्टेटमेंट दी गई है, ये कौन सी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का मेन थीम था। 1990 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी उसका, 1991, 1992, 1993। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीयूटी में आया हुआ क्वेश्चन है, जिस साल जिस शिफ्ट में मैंने एग्जाम दिया था ना, उस शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। तो बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा आप। तो यहाँ पर आपको ये चारों ऑप्शंस क्रोनोलॉजी में जमाने हैं। तो लिमिट्स टू ग्रोथ, अब ये कब पब्लिश हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1972। आर कॉमन फ्यूचर, ये कब पब्लिश हुई थी, 1987। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये कब हुई थी, 1974 में। और एजेंडा 21, ये कब हुआ था, 1993 रियो कॉन्फ्रेंस के अंदर। उसका करेक्ट आंसर होगा ये, लिमिट्स टू ग्रोथ, देन स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने लिखी है, स्कोमशार ने, देन बी आर कॉमन फ्यूचर कौन लेके आया था, ब्रंडलेट कमीशन, एंड देन एजेंडा 21 रियो कॉन्फ्रेंस के अंदर जो 1993 में पास हुआ था, ए सी बी डी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन पब्लिशिंग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस व्हेन। अब आपको बताना है कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है, तो कौन से साल से उसने अपनी इस रिपोर्ट को पब्लिश करना शुरू किया, 1989, 1990, 1991 या फिर 1992। को तो हम आगे चलकर देखेंगे, जो अपनी एक पॉपुलेशन थ्योरी देते हैं उसमें वो कहते हैं कि हमें पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, और रिसोर्सेज जो फूड रिसोर्सेज हैं या फिर वो रिसोर्सेज जो हमारे सब्सिस्टेंस के लिए जरूरी है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। ब्रंडलेट कमीशन वो कमीशन है जो एयर कॉमन फ्यूचर करके 1987 में अपनी रिपोर्ट लेकर आएगा, और अमर्त्य सेन और महबूब उल हक इन दोनों ने मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पर काम किया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली, क्योंकि अब तो पूरा हो गया तो उसको वो भी आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, यहाँ पर हम कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट, ये जितनी भी हम चीजें देख रहे हैं कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो ये है 2011 वाला सेंसस, क्योंकि उसके बाद तो सेंसस अभी तक नहीं हुआ, तो हमारे पास नए जो फिगर्स है वो अभी तक हमारे पास है ही नहीं, तो हम 2011 के हिसाब से हमारे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद, हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अमर्त्य सेन, महबूब उल हक या फिर एडम स्मिथ या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लिमिट्स टू ग्रोथ वॉज पब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, 1972, 1976, 1982 या फिर 1991। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1972। ब्रंडलेट कमीशन रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर वॉज पब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अगेन ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
नेम द स्कॉलर हु फॉर द फर्स्ट टाइम वॉइस इज कंसर्न अबाउट द ग्रोइंग स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सिस एज कम्पेयर टू ह्यूमन पॉपुलेशन. अभी मैंने इसकी जो कॉन्सेप्ट वो पीछे भी समझाया था, तो क्या वो जीटी त्रिभारता है? जीटी त्रिभारता तो फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है. क्या वो एलन सी सैंपल है? एलन सी सैंपल, आप मुझे एलन सी सैंपल की जो ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन है ना, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी. जो हमारी पहली बुक है उसके अंदर दी, पहली चैप्टर में बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एलन सी सैंपल ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन देते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. तो क्या ये विडाल डीला ब्लास है या फिर सर रॉबर्ट माल्थस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो बिटवीन 0 to 6 years? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा. वट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक ऑफ इंडिया इन 2024? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इंडिया की 2024 में क्या रैंक है? एनसीईआरटी के अंदर तो ये क्वेश्चन नहीं है, पर क्या पता पूछ लिया जाए, तो इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है. तो 2024 में एचडीआई के अंदर इंडिया की क्या रैंक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 134. द परसेंटेज ऑफ पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2011 एंड 2012 हैज बीन एस्टिमेटेड एज डैश फॉर द होल कंट्री. 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉवर्टी रेट जो है ये पूरी कंट्री मतलब इंडिया के अंदर वो कितना है? 21.9%, 20.5%, 22.6% या फिर 25.7%? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21.9%. द परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इन द ईयर 2011 एंड 2012 इन द रूरल एरियाज. अभी पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा था कि पॉवर्टी लाइन के बिलो कितने परसेंट पीपल हैं पूरे कंट्री के अंदर, तो वो पूरे कंट्री में पूछा था, और इस वाले क्वेश्चन में रूरल एरियाज में पॉवर्टी जो है ना, पॉवर्टी लाइन के अंदर कितने परसेंटेज पीपल है वो पूछा है. तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25.7%. उसके बाद द परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इन द अर्बन एरियाज इन द ईयर 2011 एंड 12 वाज, अब यहाँ पर अर्बन एरियाज पूछा है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13.7%. वट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन? ऑप्शन ए मेकिंग इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री एंड अचीविंग 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बिल्कुल सही है. ऑप्शन बी द सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी फ्यूल एलपीजी टू ऑल हाउसहोल्ड्स इन रूरल इंडिया टू रिड्यूस डोमेस्टिक पोल्यूशन, ये भी सही है. प्रोवाइडिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउसहोल्ड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वाटर बोर्न डिजीज लाइक कोलेरा, तो ये भी यहाँ पर सही है. प्रमोटिंग द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक विंड एंड सोलर एनर्जी, तो ये भी सही है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. एज पर द सेंसस ऑफ 2011 वट वॉज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? अब यहाँ पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अपनी कंट्री का लिटरेसी रेट कितना था? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 74.04%. एज पर द सेंसस ऑफ 2011 वट वॉज द ओवरऑल फीमेल लिटरेसी रेट इन आर कंट्री? अब यहाँ पर फीमेल का पूछा है, पर्टिकुलरली लिटरेसी रेट इन टर्म्स ऑफ फीमेल कब का? 2011 का. यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65.46%. What is are the adverse effect या फिर effects that can emerge from the development done for only some regions for short period of time? Poverty, malnutrition, ecological degradation या फिर D, all of these. तो उसका ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, all of these. Choose the correct statement out of the following options. अब इस क्वेश्चन को बड़े ही इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा, तो यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है. पहली स्टेटमेंट, डेवलपमेंट इज फ्रीडम विच इज ऑफन एसोसिएटेड विद मॉडर्नाइजेशन लीजर कन्वीनियंस एंड प्रॉपर्टी. बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो ठीक बात है कि डेवलपमेंट जो है वो एक तरह से फ्रीडम है, जिसको हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं? मॉडर्नाइजेशन के साथ. लीजर वो एक्टिविटीज जो हम रिक्रिएशन या फिर एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं. कन्वीनियंस प्रॉपर्टी, सही है. ऑप्शन बी इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ट्रेडिशनल बेसिक फैसिलिटीज लाइक फूड क्लोथिंग आर कंसिडर्ड सिंबल्स ऑफ डेवलपमेंट. देखते हैं. ऑप्शन सी इट इज क्लियरली बिलीव दैट डेवलपमेंट इज फ्रीडम, ये तो सही है. ऑप्शन डी डेवलपमेंट इज अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज नेग्लेक्ट एंड डेप्रिसिएशन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट है ना इस क्वेश्चन में वो इनकरेक्ट है, और वो कौन सी है? वो है ऑप्शन जो यहाँ पर हमारी बी स्टेटमेंट है ना, वो इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है ना, उसके अंदर बेसिक फैसिलिटीज जो फूड क्लोथिंग को कंसिडर नहीं किया जाता. किसे कंसिडर किया जाता है? मॉडर्नाइजेशन को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कंप्यूटराइजेशन को, एजुकेशन को, मेडिकल फैसिलिटीज को, कम्युनिकेशन को. तो यहाँ पर हमारी जो बी वाली स्टेटमेंट है ना वो गलत हो जाती है. तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है? ए सी एंड डी. ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है. उसके बाद मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर मैच करना है, और बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है ये. डिक्लाइन इन सोशल कैपेबिलिटीज, इसका क्या मतलब है? ड्यू टू डिजीजेज एंड एक्सीडेंट्स, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, वीकनिंग सोशल टाइज. तो ए का थर्ड ऑप्शन होगा, ए का थर्ड डी जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाता है.
डिक्लाइन इन एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज ड्यू टू इंक्रीजिंग पोल्यूशन, तो बी का सेकंड होगा, ए का थर्ड, बी का सेकंड, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। और डिक्लाइन इन पर्सनल कैपेबिलिटीज किस वजह से, ड्यू टू डिजीजेज एंड एक्सीडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को तैयार करने में कौन कौन से इंडिकेटर्स का इस्तेमाल लेता है? इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट्स, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, या फिर इंडिकेटर्स ऑफ नेबरहुड रिलेशंस। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना, आप कॉमन सेंस से बड़े ही आसानी से बना सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन सीयूटी में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इकोनॉमिक अटेनमेंट जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जो है मेजर करने में। हेल्दी लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल एम्पावरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर क्या इंडिकेटर्स ऑफ नेबरहुड रिलेशंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को मेजर करने में? तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्हाट इज और आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब यहाँ पर आप इसका गलत क्वेश्चन कर देंगे जल्दबाजी में, बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। और इसमें पूछा है मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, पॉलिटिकल करप्शन, पुअर लॉ एंड ऑर्डर, जॉबलेस ग्रोथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर डी नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉबलेस ग्रोथ। एक बार के लिए अगर हम मान भी ले कि इसका आंसर जो है डी होगा, तो क्या यहाँ हमारी कंट्री के अंदर पुअर लो एंड ऑर्डर देखने को मिलता है? और अगर देखने को मिलता भी है तो पॉवर्टी का उसके साथ क्या रिलेशन है? तो ये तो गलत हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया तो क्या है, जॉबलेस ग्रोथ, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, या फिर जो एक तरीके से डिस्क्विज्ड एम्प्लॉयमेंट देता है, पर वो एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का ही टाइप होता है। तो जॉबलेस ग्रोथ जो है वो एक मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।